हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज एक्सपायरी है और एक्सपायरी का ट्रेड लेंगे हम। थोड़ा जल्दी में है हम, आज काम थोड़ा ज़्यादा है। तो ये हमने बना लिया है अपना एक्सपायरी डे के लिए ट्रेड। थोड़ा सा अपडेट देता हूँ इधर पे। जो बैंक निफ्टी है वो हमको लग रहा है यहाँ से कि 39,000 के ऊपर नहीं जाएगा किसी भी हालत में, लेकिन लोअर साइड से पुश कर रहे हैं अच्छा खासा। तो ये 2:30 बजे के बाद में ऊपर जा सकता है 39,000 के, लेकिन फिलहाल 2 बजे तक के लिए जो हमारा ट्रेड है वो हमको ये बताता है कि बैंक निफ्टी जो है 38,800 से 38,900 के बीच में रहना चाहिए। ओके, तो हमारा ट्रेड भी उसी हिसाब से है। हम 38,800 को और 38,900 को सेल कर रहे हैं, साथ में 39,000 को बाय और 38,700 को भी बाय कर रहे हैं। ओके, तो मार्केट की फ़िलहाल एक छोटी सी रेंज है 38,800 से 39,000 के बीच के आसपास, और आखिरी में हम अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं मार्केट में। तो हम इसको ज़्यादा देर होल्ड नहीं करेंगे, हम 1,500 पे लेके निकल जाएंगे इसको। ठीक है, तो हम अपना अभी ट्रेड लगाते हैं। देखिए, हमने बना लिया है अपना जो है बास्केट ऑर्डर, और इसमें सबसे पहले हम बाई को एग्जीक्यूट करते हैं। और इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ अभी बाई साइड को। प्लेस ऑर्डर, प्रोसीड, ये मेरा बाई का लग गया है। अब मैं सेल को प्रोसीड करूँगा। प्लेस ऑर्डर, ओके, तो ये मेरा सेल साइड भी लग गया है। ठीक है, तो मेरा ऑर्डर लग गया है। ओपन पोजीशन पे मैं देखूँगा, ये सब आ चुका है यहाँ पर। और इसका अब मैं जो है पे ऑफ एनालिसिस कर लेता हूँ, और कि कितना मेरे को प्रॉफिट मिलेगा इसमें, मैं अभी आपको दिखाता हूँ पे ऑफ एनालिसिस। तो ये जो हमारी ओपन पोजीशन है, ये देखिए, इसमें हमको जो है 1,800 का मैक्सिमम लॉस है। ओके, और जो है वो 38,900 पर हमको जो है प्रॉफिट मिलेगा 3,800 का। और यहाँ पे देखिए 700 को इसने 800 को मिस कर दिया है इधर पे, तो हमको 800 से लेके 940 तक में हमको जो है वो प्रॉफिट में हमारी पोजीशन रहेगी। हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 3,100 का है, वो मिलना थोड़ा मुश्किल है। हम इसमें 1,500 में निकल जाएंगे 1,500 के आसपास, और उतना हमें इसमें मिल जाएगा ऐसा हमको उम्मीद है। ओके, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए कि सिर्फ एक ही जगह 38,900 पर प्रॉफिट दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। इधर पे 38,800 इन्होंने छोड़ दिया है, उधर पर भी है, तो ज़्यादा लॉस के चांसेस है नहीं इसमें। और इसको हम 2 बजे के पहले जो है इसको एग्ज़िट कर लेंगे। ऑल में जाके मैं ओपन पोजीशन देखता हूँ अभी अपने, अभी कॉस्ट टू कॉस्ट है, देखिए 12 रुपये चल रहा है अभी। तो ये है आज के लिए बैंक निफ्टी का व्यू। ठीक है, 38,800 39,900 हमारा रेंज है, यहाँ पर रहेगा 2:30 बजे के बाद। आजकल 2:40 के बाद बहुत तेज़ मूवमेंट होता है, तो अगर मूवमेंट हुआ तो वो मूवमेंट होगा अपसाइड में। 39,000 को अगर ब्रेक करेगा तो वो 2:30 बजे के बाद ही करेगा, उसके पहले नहीं करेगा। और जो है हम अपना प्रॉफिट जो है 2 बजे तक लेके बाहर हो जाएंगे मार्केट से। ओके, और अगर अभी हम निफ्टी देखें तो एक मिनट, निफ्टी जो है 18,300 के ऊपर फ़िलहाल जाता हुआ नहीं दिख रहा है। जस्ट अ मिनट, ओके, हाँ, निफ्टी जो है वो 18,300 के ऊपर नहीं जाएगा यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है टोटल। ठीक है, तो 18,300 के नीचे ही क्लोजिंग होगी इसमें। अभी 18,300 के ऊपर चल रहा है, लेकिन जिस तरह का हुआ है बिल्डअप है यहाँ पर 80 लाख का, यहाँ पर 54 लाख का, इसको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, मेन जो मूवमेंट होगा अगर इसको 18,300 तोड़ना है तो इसमें भी वो 2:30 बजे के बाद में ही होगा। अभी फ़िलहाल मार्केट यहीं पे घूमेगा, अभी फ्लैट हो गया है, तो इसमें आराम से अब हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो कैलेंडर स्प्रेड अभी हमने बनाया नहीं, हम 2 बजे के बाद देखेंगे किस तरफ मूवमेंट रहता है, और हमें जैसी मार्केट की डायरेक्शन क्लियर होगी तो हम कल के लिए कैलेंडर स्प्रेड बनाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।